एवरी वन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं किरण सिंह, इंडियन ब्लॉगर, के सिंह मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज मैं आप लोगों को फूड ब्लॉग नहीं दिखा रही हूँ, आज मैं आपको माता अंबिका भवानी के दर्शन कराने लेकर आई हूँ। तो चलिए, मैं बिहार के सारण जिले डिस्ट्रिक्ट आई हूँ अंबिका भवानी के दर्शन करने। तो देखिए, मैं तो आ गई हूँ मंदिर के पास, अब मैं गंगा किनारे जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ माँ अंबिका भवानी। देखिए, मैं जा रही हूँ आगे, पीछे से मेरा बेटा है। आज बसंत पंचमी है और 26 जनवरी है। गाइस, ये ब्लॉग एक दिन बाद आएगी, क्योंकि इस दिन हम लोग घूमने आ गए थे माता रानी के दर्शन करने। तो अंबिका भवानी आकर सबसे पहले, हमारे यहाँ की परंपरा है, गंगा जी पास है तो पहले गंगा पूजन करते हैं, तो मैं गंगा पूजन के लिए आई हूँ। तो ये देखिए, मैं गंगा पूजन कर लेती हूँ। आप लोग भी माँ गंगा के दर्शन कीजिए, माता रानी आप सबों को भी ढेरों खुशियाँ दे। गाइज, माँ अंबिका भवानी बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के आमी गांव में हैं, जो दिघवारा से 5 किलोमीटर आगे हैं। तो मैं गंगा पूजन करके माता रानी के प्रांगण में हम लोग देखिए आ गए हैं माता रानी के भवन में। ये अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और माता रानी का जयकारा कर रहे हैं मन ही मन में। तो आप लोग भी माता रानी का जयकारा लगाइए। और ये देखिए, माँ अम्बे की भवन है, माँ अंबिका महारानी की। आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये देखिए, माता अंबिका भवानी की पिंडी दर्शन कीजिए। यहाँ पे पिंडी दर्शन है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। देखिए, पूजन भी हो गया है हम लोगों का, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर, मंदिर प्रांगण में बाबा भोले की पूजा करने। ये देखिए, उनकी बहुत विशाल प्रतिमा है यहाँ पे अंबिका भवानी मंदिर के अंदर ही है प्रांगण में। तो देखिए, अब भोले बाबा की भी पूजा कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए मेरे बेटे को। अब हम लोग माता रानी के मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। कहते हैं माँ अंबिका भवानी या किसी भी माता के मंदिर में जाएं, अगर परिक्रमा करने का जगह स्थान मिले तो परिक्रमा ज़रूर करना चाहिए। तो गाइज, मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होंगी, तो आज बसंत पंचमी है, हर जगह बहुत ही आवाज़ गूंज रही है, तो वो सब आ रही होंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये हवन कुंड है माँ अंबिका भवानी प्रांगण में, जहाँ पे हवन होती हैं, श्रद्धालु आके हवन करते हैं। और ये बटवृक्ष का पेड़ है, बरगद का, बहुत विशाल है। और यहाँ माता रानी को नैवेद्य, जो नारियल होते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। ये देखिए, माँ अंबिका भवानी का मंदिर है, पूजा मैं कर ली हूँ। अब पूजा करके हम लोग बाहर जा रहे हैं। गाइज, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको अच्छे से दर्शन नहीं करा पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सोची जितना हो सके मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो हम लोग अब जा रहे हैं पूजा करके। ये देखिए, यहाँ पे हमेशा, मतलब 12 महीने यहाँ पे ऐसे ही भीड़ रहती है। और ये दुकान है, यहाँ आई हूँ तो कुछ चूड़ियाँ वगैरह ले लेती हूँ प्रसाद के रूप में, जो कि बिहार की परंपरा होती है कि आप कहीं भी तीर्थ स्थान या धाम पे जाते हैं तो वहाँ से चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, प्रसाद वगैरह लेके आते हैं। और अपनों के बीच में
प्रसाद के रूप में देते हैं अपनों को। तो देखिए ये है, बहुत अच्छी जगह है गाइस। अगर आप लोग यहाँ लोकल के हैं तो ज़रूर आएँ घूमें और माता रानी की जयकार लगाएं। बोलो अंबिका भवानी की जय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अब रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखें।